पे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर देखिए भोपाल से सामने आ रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज के कड़े निर्देश यहां पर देखे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़े निर्देश यहां पर दिए हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली और उसमें कड़े निर्देश उन्होंने दिए हैं। अवैध मदरसों कट्टरता फैलाने वालों पर शिवराज सरकार अब सख्त नजर आ रही है। बता दें कि कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले संस्थाओं का रिव्यू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये सख्त निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले संस्थाओं का रिव्यू किया जाएगा, कट्टरता और अतिवाद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी, कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो आते बंद होने के बाद कहीं और से शराब न बिके, इस पर सतत नजर रखें और कार्रवाई करें, ऐसे स्थानों को यहां पर ध्वस्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। अवैध मदरसों कट्टरता फैलाने वालों पर अब शिवराज सरकार सख्त होते जा रही है, ये जानकारी सामने आई है भोपाल से, बड़ी खबर इस वक्त की। भी कोई अवैध गतिविधियां संचालित है तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। आहाते बंद कर दिए तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हों। ये सारे विषय उन्होंने स्पष्ट रूप से लिए हैं। सोशल मीडिया के बारे में भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाकर अशांति पैदा न कर दे, इस पर तीखी नजर होना चाहिए। निश्चित रूप से माफिया मध्य प्रदेश में कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। किसी भी तरह का अपराध कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कड़े तेवर थे। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज के कड़े निर्देश यहां पर देखे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक समीक्षा बैठक बुलाई थी और इस बैठक में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। अवैध मदरसों कट्टरता फैलाने वालों पर अब शिवराज सरकार सख्त होते जा रही है, कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले संस्थाओं का रिव्यू किया जाएगा, ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। तो क्या कुछ उनके निर्देश है, सीएम के कड़े निर्देश क्या कुछ है, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिया है। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है। और सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है और जो भी कमेंट कट्टरता को लेकर के जो भी कमेंट्स भी यहां पर अगर किया जाएगा तो उसको लेकर के भी कार्रवाई होगी। गृह मंत्री और कानून मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में शामिल थे, डीजीपी सुधीर सक्सेना भी इस बैठक में शामिल है। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अमृतांशी, महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम के कड़े निर्देश यहां पर देखे गए हैं। अवैध मदरसों और कट्टरता फैलाने वालों पर अब शिवराज सरकार जो है सख्त होते जा रही है। बिल्कुल, देखिए कट्टरता फैलाने वालों पर अब सरकार की पैनी नजर है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाने वाला है। ये साफ तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बैठक अभी मुख्यमंत्री निवास में हुई है, इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी ऐसे अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं या ऐसे कोई संगठन संचालित हो रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए और उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आगामी समय में कई बड़े त्यौहार देखिए आ रहे हैं, चाहे हम ईद की बात करें या परशुराम जयंती की बात करें, इस दौरान जो ये आतंकवादी संगठन है, ऐसे जो संगठित अपराध करने वाले संगठन है, चाहे हम जेएमबी की बात करें या पीएफआई की बात करें, ऐसे संगठनों पर खास तौर पर कड़ी नजर रखी जाएगी, पैनी नजर रखी जाएगी। और इस दौरान जो भी त्यौहार हैं उन पर खास तौर पर जो है कानून व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से जारी रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आमतौर पर हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कि सांप्रदायिक रूप से तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं, कई ऐसे कॉमेंट्स होते हैं जिनसे सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जाए। जो भी ऐसे लोग जो है तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या सांप्रदायिक कमेंट्स कर रहे हैं उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सोशल मीडिया को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री ने ये कड़े निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, माफियाओं को पनपने की मध्य प्रदेश में कोई भी जगह नहीं मिलने वाली है, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दे दिए हैं कि जो भी माफिया है, चाहे हम रेत माफिया की बात करें या कोई भी माफिया है, उनके ऊपर पैनी नजर जो है वो रखी जाएगी, पुलिस जो है खास तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसके अलावा देखिए प्रदेश भर में आहाते बंद करने को लेकर देखिए जो निर्देश जारी हुए थे, 1 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में आहातों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं बंद मतलब बंद, यानी कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कहीं पर कोई भी आहाता संचालित नहीं होना चाहिए, सीधे जो है कड़े निर्देश जो है जारी हुए।
हुए हैं उनका जो है पालन पूरी तरीके से किया जाए, आहातों को सभी जगह जो है बंद कर दिया जाए, अगर कहीं भी आते खुले हुए नजर आ रहे हैं, अवैध मदरसे भी हैं उनको लेकर के भी रिव्यू किया जाए, रिव्यू करके रिपोर्ट सौंपा जाए। क्या कोई टाइम लिमिटेशन भी अमृतांशी दी गई है कि कितने समय के अंदर रिव्यू करना है? बिल्कुल, देखिए ये जो आज मुख्यमंत्री ने फैसला किया है बैठक में, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री तक इस चीज की जानकारी पहुंची होगी कि अवैध मदरसों के रूप में कुछ ऐसी गतिविधियों का संचालन हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर जो है तमाम SP को निर्देश दिए, DGP को निर्देश दिए हैं और सरकार में जो मंत्री हैं विभागीय उनको भी साफ तौर पर कह दिया है कि इसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अब जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के निर्देश हैं तो जितने भी मदरसे हैं उनका जो है हम कह सकते हैं उनकी मॉनिटरिंग शुरू की जाएगी, जो भी उनके पास जो है संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर नजर रखी जाएगी और इसको लेकर देखिए प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आना होगा, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि इन मदरसों के पीछे या ऐसी कोई भी संस्थान है जो भी कट्टरता फैला रहे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कट्टरता फैलाने वालों पर जो है बिल्कुल पैनी नजर रखी जाएगी और जो भी लोग मध्यप्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी मध्यप्रदेश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ठीक है अमृतांशी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।